हेलो दोस्तों, फाइनली ह्यूंडई वेन्यू फेसलिफ्ट की ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो गई और लॉन्च 16 जून को है, जिसका रेंडर आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव इंडिया द्वारा बनाया गया। जहां पे बात करें तो फ्रंट लुक भी काफ़ी बेहतरीन है, जहां पे आपको न्यू ह्यूंडई का सेंसर स्पोर्टिनेस ग्रिल देखने को मिलता है। इंडिकेटर आपको स्प्लिट देखने को मिलते हैं जो कि 3 सेटअप के साथ। आपको LED DRLs सराउंड करते हैं मेन हेडलाइट को, जो कि LED प्रोजेक्टर होने वाले हैं, और नीचे की तरफ आपको ब्लैक कलर का बम्पर देखने को मिलता है और स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश के साथ। देखना होगा दोस्तों कि फॉग लैंप आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले बैक लुक की, तो आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। नीचे में आपको रेड कलर में रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं ब्लैक थीम के साथ, और उसके नीचे में दोस्तों आपको स्किड प्लेट काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आता है। पीछे का जो ग्लास एरिया है वो सेम आपको देखने को मिलता है, डिफॉगर रियर वाइपर देखने को मिलते हैं, साथ में ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स देखने को मिल जाते हैं। जो ओवरऑल पीछे का डिज़ाइन है अब काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और पहले छोटे टेल लाइट के कारण डिज़ाइन उतना SUV नहीं लगता था, लेकिन अब बैक का डिज़ाइन सभी लोग को पसंद आ रहा है। बात करें दोस्तों साइड लुक की, तो यहाँ पे 16 इंच के न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि पहले से भी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी मॉडर्न भी देखने को लग रहे हैं। अगर बात करें इंटीरियर की, तो डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग जो कि डी कट है देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करें तो काफ़ी एडी केबिन देखने को मिल रहा है डुअल टोन इंटीरियर होने के कारण, लेकिन पहले से काफ़ी सिमिलर देखने को लग रहा है, जहाँ पर आपको सभी तरह के ऑप्शंस पहले जैसे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें दोस्तों तो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह देखने को तो मिल रहा है, और साथ में MID डिस्प्ले लेकिन नया है और पूरी तरीके से डिजिटल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको प्री लोडेड 6 नेचर के साउंड्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन 8 इंच का ही देखने को मिल रहा है। पीछे में जो सीट्स है वो डुअल टोन में है और काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-way डिक्लाइन जो कि आपको क्रेटा में आती थी वो फीचर यहाँ पे भी दे गई है, जो कि आपको और भी आरामदायक देखने को मिलती है। 60 कनेक्टेड फीचर्स फाइनली देखने को मिल जाते हैं, लेकिन देखना होगा कि रिमोट इंजन स्टार्ट है कि नहीं आपका चाबी में। अगर बात करें तो यहाँ पे अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा आपको कॉस्मेटिक फीचर्स ऐड किए गए हैं, सनरूफ तो देखने को मिल जाता है। इंजन आपको पहले की तरह तीनों देखने को मिल जाते हैं, जो कि पेट्रोल 1.2 जो कि काफ़ी कम दाम में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे टर्बो है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल ऑप्शन नहीं, बाकी डीजल भी आपको देखने को मिल जा रहा है, और कलर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं दोस्तों। लॉन्च तो आपका 16 जून को होने वाली है, और एक्सपेक्टेड है कि प्राइसिंग ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मारुति की ब्रेजा है वो भी आने वाली है, तो उसको कंट्रोल में प्राइसिंग को रखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। दिस सेंडेज मेड बाई, सो टेक इट एज अ पिंच।